हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर। और बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं अगर कि 2022 का एग्जाम हो चुका है, इसका पेपर एनालिसिस क्या होगा। हेलो दोस्तों, माय सेल्फ राघव मिश्रा, एमबीबीएस सेकंड क्रॉप स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतना कट ऑफ जा सकता है और कैसे पेपर था। अभी जस्ट पेपर हुआ है, अभी छूटा है, तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी कैसी थी, केमिस्ट्री कैसी थी और फिजिक्स कैसी थी। इसके बाद हम आपको एक्सपेक्टेड कट कट ऑफ ऑफ के बारे में बताएंगे। बात करेंगे हम लोग। सर तो आप शुरू बच्चों, करिए। हम लोग चलते हैं, आपको पेपर दिखाते हैं। ये जो देख पा रहे हो, ये बायोलॉजी का पेपर है। पहले हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे, जिससे कि बायोलॉजी, फिर भी जैसा कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बायोलॉजी काफी इजी थी। बायोलॉजी आसानी से 88-89 तक आसानी से पिकअप किया जा सकता है। आप लोग इसका पेपर देखिए। अगर आपने एनसीईआरटी एकदम ध्यान से पढ़ी होगी तो इसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के आए हैं, जितने मोर ऑप्शंस वाले हैं और जितने अंदर, अगर आप थोड़ा सा डीप पढ़े होंगे एनसीईआरटी को, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। जितने क्वेश्चन आए आप 88 to 89 आसानी से कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो जाती है इस वजह से। 85 तो पक्का गेटेबल था इस क्वेश्चन पेपर में, इतना आसान आया था बायोलॉजी। देखिए आप पेपर, आप धीरे धीरे देखिए किस तरीके का आया है। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत आसान थी और जो एनसीईआरटी की लाइंस उठाई हुई है इन्होंने, देखिए हैबिटेट लॉस एंड, आप सर एक ऊपर दिखाइए, हैबिटेट ये लॉस एंड देखिए आप इसको। फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और कोएक्सटिंक्शन आर कॉसेस फॉर बायोडायवर्सिटी ये लॉस। बिल्कुल एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी से बच्चों, एनसीईआरटी से बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको प्री मेडिकल के चैनल पे बोला था कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है हमको, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और देखिए नीट 2022 में भी एनसीईआरटी से ही आया। बहुत से लोग कहते रहे हैं कि एनसीईआरटी से बाहर भी आएगा 4-5 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी सिंगल के क्वेश्चन पास। एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है बच्चों, बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही। बायोलॉजी के लिए आप लोग इसको पेपर देखिए, कितना सिंपल पेपर आया हुआ है बायोलॉजी का, जिससे आप आसानी से इसको पिकअप कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री को दिखाएंगे, और फाइनली हम लोग इसका सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पर। जी सर, देखिए जितने सारे एग्जांपल्स बिल्कुल क्वेश्चन के बिल्कुल आए थे, मैग्नीशियम अभी एक ऊपर आपको दिखाएं, अगर हम मैच द फॉलोइंग आई है बायोलॉजी में, वो काफी आसान है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग का ही है। एकदम मैचिंग का है, एनसीईआरटी की लाइंस है, वो जो न्यूट्रिशन वाला, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स वाला बिल्कुल। चैप्टर है, उसमें से उठा के दिया हुआ है, सभी चीजें आई और हैं उसमें। सारे क्वेश्चन तो हमारे गोल्डन पॉइंट जो हमने बनाया हुआ है, शार्प नोट उससे डायरेक्टली डिक्ट हुआ है, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ रहा। वही और आपके फास्ट रिविजन के गोल्डन पॉइंट का वीडियो प्लस शार्प नोट सबसे बेटर है, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली आएगा। नीट प्री मेड को जो ऐप है उस पे आपने एकदम नोट्स जो रखे हैं वही से क्वेश्चन आए हुए हैं। 90 बिल्कुल में से बिल्कुल आप 90 जो सही करेंगे, आप सारे तो अटेम्प्ट नहीं करने थे, जितने भी सही होंगे सारे के गोल्डन पॉइंट्स एनसीईआरटी में और प्री मेड को के चैनल के गोल्डन पॉइंट्स में हैं। तो अभी जो जिनका नहीं हो पाएगा या फिर नए एस्पायरेंट्स हैं, वो जरूर से जरूर प्री मेड को ऐप डाउनलोड करके वीडियोज देखना, आज से शुरू कर दें 2023 के लिए। सर देखिए कितने आसान आसान से बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। आए हैं। और हम अपने ऐप से जो भी कंटेंट है, गांव का 200 by 200 क्वेश्चन बिल्कुल शो करेंगे, कहां से हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। हम इसको दिखाएंगे आपको, ये आगे ये यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालेंगे, कहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए, एक सर एक देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल। ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी का का, डायग्राम सीधा क्वेश्चन आया हुआ है इसका। तो ये सारे क्वेश्चन आप एकदम आसानी से एकदम रिलैक्स होके कर सकते थे और आसानी से सही कर सकते थे। तो जो कट ऑफ है ना वो भी ऊपर जाएगी इसकी वजह से, लास्ट ईयर के मुकाबले ही रहेगी, बट क्या है कि आप जल्द ज्यादा से ज्यादा गेट कर बिल्कुल सकते टाइम ज्यादा था ना इस बार, थे। जो 20 मिनट टाइम होने की वजह से थोड़ा सा कटा हुआ, पर जैसे कि इस बार 595 नंबर इसमें कट ऑफ था लास्ट, जो है जो बच्चों को लास्ट में मिला है, बट इस बार उम्मीद है, उम्मीद है 600 तक रहेगा। क्योंकि टाइम बढ़ गया था बिल्कुल उनको, जो बिल्कुल 5 नंबर टाइम से था 10 नंबर तक हाई कट ऑफ रहे, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अभी हम बहुत बायोलॉजी दिखा रहे हैं। सर, इस बार सीट्स भी बढ़ी हैं तो उसकी वजह से भी बिल्कुल कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा। मतलब अगर आप 605, 600, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 600 से 605 पा रहे हैं, तो एकदम आप श्योर हो जाइए कि आपकी आपको इस बार मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप मेडिकल कॉलेज में आके हमारे साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए सर एकदम आसान से आसान क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल सभी बिल्कुल एनसीईआरटी से बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल है। तो ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का पेपर है, आप एनसीईआरटी बोल सकते हो, नीट का बायोलॉजी बोल ही नहीं सकते, इतने आसान एनसीईआरटी। क्वेश्चंस हैं। देखिए सर ये वाला ये क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन बिल्कुल। ये चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ाते हैं, तो ये हम एग्जांपल में बताते हैं। आप ऐप पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा सर का, वहां तो पर वो है उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बताया एग्जांपल हुआ बताया है। हुआ है। तो सर ये बायोलॉजी का था, बायोलॉजी तो हो गया, अपन चलते हैं अपने फिजिक्स पर रहे हैं। बच्चों ये पेपर देख सकते हैं, फिजिक्स का है। हाँ, फिजिक्स पिछले बार के मुकाबले
थोड़ी सी एवरेज फिजिक्स से थोड़ी सी टफ बोल सकते हो, या एवरेज बोला जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग जो है, अब अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है, जैसे बिल्कुल फ्रीक्वेंसी का है तो वो सेम हो आपने जाएगा 60 सॉल्वर आंसर किया का। हुआ है तो डायरेक्टली बिना कुछ पढ़े ही सीधे टिक कर सकते, इतना आसान कुछ हाफ क्वेश्चन वेव नहीं सकते। रेक्टिफिकेशन, बिल्कुल इनपुट और आउटपुट सेम है तो सेम सिक्सटी है, का आंसर सिक्सटी हो जाएगा। सिक्सटी बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बोहर मॉडल का, ये मॉडर्न के क्वेश्चन, मॉडर्न के क्वेश्चन हमेशा बताए गए हैं कि सबसे ज्यादा आते हैं और मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत आसान आते बिल्कुल। हैं। देखिए सर शुरू के थ्योरेटिकल कितने कितने सिंपल क्वेश्चन है, न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का भी क्वेश्चन है, बिल्कुल फिजिक्स में भी काफी हद तक काफी सिंपल क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन, बेटा देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आसानी से, जी सर, आसानी से इस पेपर में एवरेज बच्चा 25 से 30 क्वेश्चन, 30 एवरेज आसानी से किया जा सकता है। और थोड़ा अगर जो आपने 30 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट कर लिया तो आपको सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, क्योंकि बायोलॉजी सिंपल है, केमिस्ट्री भी एवरेज है और फिजिक्स भी एवरेज है, आसानी से 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। हमें टॉप नहीं करना आपको, आपको केवल सिलेक्शन के लिए 25 से 30 क्वेश्चन आप कर लोगे सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मिनिमम 120 से 130 नंबर चाहिए होते बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल आसानी से पेपर तो है कि 30 से आसानी से 35 किया जा क्वेश्चन सकता यदि है मैं ये। कर लिया है तो वो बिल्कुल एकदम श्योर है कि वो कॉलेज पा रहे हैं, अगर उन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा किया हुआ देखिए है। पेपर कितना सिंपल है ये पेपर, ठीक है एवरेज पेपर है बिल्कुल, ना तो एकदम टफ बोला जा सकता है ना सिंपल, मतलब एवरेज पेपर आसानी से और फिजिक्स अटेम्प्ट में किया ये जा है थोड़ा सकता सा है, टफ, ये आपको थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा देगा क्योंकि कट ऑफ को मेंटेन रखना हुआ है। मेंटेन बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने भी क्वेश्चन है ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है कुछ अच्छे क्वेश्चन तो रहेंगे तो उसमें बिल्कुल उनको सर, छोड़ा भी जा सकता था, उनको बिल्कुल ना करें तो ज्यादा सही है। और लेकिन आप 30 से 32 क्वेश्चन आसानी से इस पेपर आसानी में से, पा आसानी से सकते थे बिल्कुल और बिल्कुल टाइम ज्यादा था बिल्कुल, सर, टाइम ज्यादा था टाइम तो, ज्यादा होने की वजह से अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सकता है और इसमें। टाइम ज्यादा होने की वजह से हम आराम से केमिस्ट्री पा देखें, सकते हैं। केमिस्ट्री पेपर केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री आईपीएस नहीं आईपीएससी दे कितना रहा है आसान इस आया है। तरीके, ये क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन 2 साल पहले रिपीट आया हुआ था, उसी हाँ का सेम रिपीटेड उसका क्वेश्चन पैटर्न है चेंज था, इसका बिल्कुल, पैटर्न चेंज नहीं है नहीं बस। आईपीएस नियम ऐसे ही दिया हाँ हुआ था बिल्कुल, ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ था, 2020 के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल था, बस वो वही मेरा क्वेश्चन पेपर था जब हाँ मैंने दिया हुआ था, वो भी आसान था। उसी पैटर्न पर रिपीट कर, कहीं ना कहीं पेपर आपके रिपीटेड होते रहेंगे। केमिस्ट्री भी देख सकते हैं उतनी टफ केमिस्ट्री नहीं, एवरेज केमिस्ट्री है, आसानी से 40 क्वेश्चन आसानी से पिकअप किए जा सकते हैं इसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सर एकदम एनसीईआरटी से आया बिल्कुल हुआ है। एनसीईआरटी से आता है ये। और हमारे जो गोल्डन पैन के शॉर्ट नोट है बिल्कुल एनसीईआरटी के ही डिक्टो बने हुए, आप आसानी जाकर वहां पर मैच कर सकते हो, डिक्टो सारे क्वेश्चन आपके वहीं से गोल्डन पॉइंट से हमारे आए हुए हैं तो जो हमने जिन्होंने अपलोड किया हुआ जिन्होंने है अच्छे से पढ़ाई की होगी, एनसीईआरटी बिल्कुल। पे फोकस किया होगा, गोल्डन पॉइंट्स देखे होंगे। अच्छा अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं वो लोग, अगर जिनका नहीं हो रहा है उनको हिम्मत नहीं हारना है, ये भी है। बेस्ट कर सकते हैं जो जिनका ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा पैनिक कर गए पेपर में, तो वो ज्यादा चिंता ना करें। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एक पेपर है, वो आगे भी कर सकते हैं। और अगर जिनका 400 साढ़े 400 तक रुक जाता है वो फिर से प्रिपरेशन करें, नीट प्री मेडिको का ऐप डाउनलोड करें और एनसीईआरटी पे फोकस करें और ये सर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा ऐप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है जिसपे सर पढ़ाते हैं और भी फैकल्टी पढ़ाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये बेस्ट। सारे डॉक्टरों के द्वारा ही बनाया गया है, डॉक्टर ही इसको पढ़ा रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, और गूगल प्ले स्टोर से फ्री मेड को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस पेपर को आप देखिए, फिर से हम बायोलॉजी दिखा रहे हैं तो कितना सही क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल कितना सिंपल अच्छे है से सेट किया हुआ पेपर है कि बिल्कुल लास्ट ईयर के हिसाब से है सर ना। हाँ बिल्कुल। केमिस्ट्री आप लोगों ने देखा, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट पूरा देख लिया है, और कट ऑफ वही 600 से 605 के बीच लाई करेगा, एवरेज पेपर है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आपके पास टाइम भी था तो एवरेज आएगा, ये कोई क्या है कि अगर 620 जाएगा 620 नहीं, 600 605 के बीच लाई करेगा, हाँ 5 नंबर हो सकते, क्योंकि पिछले 595 था, इस बार पांच हाँ छह सौ पास के आसपास 5 नंबर के इधर क्योंकि उधर हो सकता है, टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट। टाइम ओके ज्यादा था ये। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से मेहनत करनी है, नेक्स्ट सेशन के लिए प्री मेट को आप लोग डाउनलोड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप रिविजन वीडियो वीडियो जो है क्लास वाइज लेक्चर वीडियो गोल्डन पॉइंट्स आप उसको पढ़ाई कीजिए और जिनका हो जाएगा ये सिलेक्शन उनको बिग बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, आप मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं जो 600+ हैं, वो मान के चलें 600 सिलेक्ट 605 सिलेक्ट है वो, सिलेक्शन पक्का है मेडिकल उनको कॉलेज में, पहले से गवर्नमेंट बहुत बहुत मेडिकल कॉलेज। बधाई ओके थैंक यू। बिल्कुल। ओके बच्चों थैंक यू।